हेलो गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के जो एनिमल किंगडम सीरीज चल रही है, तो एनिमल किंगडम का ये फाइलम नंबर 7th नंबर है। तो कौन सा फाइलम नंबर है? 7। तो हम लोग फर्स्ट फाइलम कौन सा शुरू किए थे? पहले तो आपको सीक्वेंस वाइज फाइलम याद होना चाहिए, फिर उसके कैरेक्टर और उसके जितने एग्जाम्पल है सब पूरा याद होना चाहिए। तो इतना याद रहेगा तो आप लोग अगर फाइलम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी से, तो आप गलत नहीं करेंगे। तो पहले कौन सा फाइलम पढ़े? पहले पोरीफेरा आता है, सेकंड सेलेंटेटा आता है, थर्ड फाइलम आएगा टीनोफोरा आएगा, फिर फोर्थ पे प्लेटी हेलमेंथीज आती है, फिर फाइव पे आती है एस्कलमेंथीज आती है, फिर सिक्स पे एनिलिडा आता है, और सेवंथ नंबर पे आर्थोपोडा। तो ये 7th नंबर का आज आर्थोपोडा हम इस फाइलम में ख़त्म कर लेंगे, और इसी में हम लोग ये देखिए इंग्लिश में करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हिंदी में करेंगे। हिंदी में करने के बाद हम लोग इसी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे, और एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं वो तो हम टॉपिक वाइज कर ही रहे हैं। जो मेरी एक सीरीज चल रही है पूरी कंप्लीट, जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं पूरा प्रीवियस ईयर कराया जा रहा, तो उसमें हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आर्थोपोडा शुरू करते हैं। और ये एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ पर बायोलॉजी पूछी जाती है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये फाइलम आर्थोपोडा। तो चलिए देखते हैं फाइलम आर्थोपोडा, दिस इज लार्जेस्ट फाइलम, यही फर्स्ट क्वेश्चन यही बन जाता है कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, तो वो आर्थोपोडा ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आर्थोपोडा। व्हिच इंक्लूड इंसेक्ट, जिसमें क्या आते हैं, जिसमें इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट जिसमें आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज, अर्थ पे जितने आर्थोपोड्स जितनी स्पीसीज पाई जाती हैं उसका 2/3 पार्ट आर्थोपोडा ही पाए जाते हैं, जितनी भी धरती पे इंसेक्ट पाई जाती है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इस फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और दे आर बायलेटरी सिमेट्रिकल, ये कौन सा सिमेट्रिकल शो करते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल शो करते हैं, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनकी बॉडी सिगमेंटेड होती है, और ये सिलोमेट होते हैं। तो इतने करेक्टर आपको नोट डाउन कर लेने हैं। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। दे बॉडी ऑफ आर्थोपोड इज कवर्ड बाई काइटिनस इग्जो स्केल्टन, जो आर्थोपोड्स के मेंबर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कवर ढकी हुई होती है काइटिनस इग्जो स्केल्टन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा फाइलम है जिसकी बॉडी काइटिनस इग्जो स्केल्टन से ढकी हुई होती है। एग्जाम्पल दे देता है या फाइलम, तो पता रहेगा कि आर्थोपोड्स के जो बॉडी होती है, जिस जो मेंबर होते हैं उनकी जो बॉडी में काइटिनस इग्जो स्केल्टन से ढकी हुई होती है। दे बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इनकी जो बॉडी होती है डिवाइड होती है हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वाइंटेड अपेंडेजेस जो होती है किस फाइलम में पाई जाती है, तो आर्थोपोडा मेंबर्स में, या एग्जाम्पल देता है क्वेश्चन में और पूछता है किसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाई जाती है। तो ये हो गया, ये देखिए ये देख लीजिए दिया गया, आर्थ्रोस मीन्स ज्वाइंट होता है और पोडा मीन्स अपेंडेजेज होते हैं, तो इसी से आर्थोपोडा हो जाता है। आर्थो मीन्स ज्वाइंट हो जाता है और पोडा मीन्स अपेंडेजेज हो जाती है। रिस्पायरेटरी आर्गन जो होते हैं इसमें, जिससे वो रिस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, तो उनका जो आर्गन होता है गिल्स पाई जाती हैं, और बुक गिल्स भी पाए जाते हैं और बुक लंग्स भी पाई जाती हैं। तो और ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जाता है, ट्रैकियल सिस्टम किसमें होता है, कॉकरोच में। और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, किस फाइलम में, तो आर्थोपोडा और मोलस्का दोनों में पाया जाता है। आप लोग एकदम रटा होना चाहिए, ये सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें, ओपन सिस्टम पाया जाता है। सेंसरी आर्गन कौन कौन से होते हैं आर्थोपोड्स में, एंटीना होता है, आईज होती है, कंपाउंड एंड सिंपल, कंपाउंड आई पूछता है कि कंपाउंड आई किसमें पाई जाती है, मोजेक विजन फॉर्मेशन होता है ना, तो वो काकरोच में ही होता है। कभी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मोजेक विजन, मोजेक मीन्स मतलब जैसे आप एक कांच देखे होंगे ऐसे वाला, इसमें जब अगर लाइट पड़ती है तो काफ़ी बार यहाँ से देखती है, तो ये मोजेक विजन शो करते हैं। तो मोजेक विजन किसमें शो करते हैं, काकरोच में, कंपाउंड आई होती है काकरोच में। स्टैटोसिस्ट पाया जाता है और बैलेंसिंग आर्गन प्रेजेंट होता है, क्योंकि पानी में भी कुछ लोग रहते हैं तो बैलेंसिंग आर्गन रहेगा ही। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीशन जो होता है इसमें एक्सक्रेटरी आर्गन जो होते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे काकरोच में, और होते हैं जैसे ग्रीन ग्लैंड भी होता है, जैसे
प्रॉन, प्रॉन एक होता है PRAWN, प्रॉन जो होता है आर्थोपोडा का मेंबर है। इसका जो इसका स्क्रेटी आर्गन क्या होता है, इसका ग्रीन ग्लैंड ही होता है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ग्रीन ग्लैंड किस आर्गन का, स्क्रेटी आर्गन होता है किसका, तो प्रॉन का, ये आर्थोपोडा का मेंबर है। जैसे ये आप प्रॉन देखे होंगे, ये देखिए इसका फिगर भी दिया गया है, यही प्रॉन है। तो इसका स्क्रेटी आर्गन ग्रीन ग्लैंड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दे आर मोस्टली डायोसियस होते हैं, मतलब फीमेल और मेल सेपरेट होता है, अलग अलग होते हैं, उसको डायोसियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, मतलब ये अंडा से अपना बच्चा देते हैं, उससे इनका विकास होता है, तो ये ओविपेरस, ओविपेरस मीन्स अंडा देते हैं, तो अंडे से बच्चे निकलते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा भी बनते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में तो लार्वा आपको देखने को मिलेंगे ही। फिर नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट जो इकोनॉमिकली बेस पे इंपॉर्टेंट है, जैसे एपिस, एपिस, एपिस याद करिए, एपिस हनी बी होता है, और बोम्बेक्स क्या होती है, सिल्क वार्म होता है, और लाइसीफर क्या होता है, लाइक इंसेक्ट, जिससे क्या बनती हैं, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं लाइसीफर लाइक इंसेक्ट से। तो ये आपका जो इकोनॉमिकली काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं, तो एपिस याद कर लीजिए, बोम्बिक्स याद कर लीजिए, और लाइसीफर, और इसके सेकंड नेम तो याद ही रखना है आपको, जैसे एपिस को हनी बी कहते हैं, बोम्बिक्स को सिल्कवार्म, और लाइसीफर को लाइक इंसेक्ट। चलिए कुछ आर्थ्रोपोडा वेक्टर्स देख लेते हैं जो डिजीज का काज करने में ये वेक्टर्स का रोल करते हैं, मतलब फैलाते हैं रोग, जैसे एनाफिलीज, एनाफिलीज जैसे आप फीमेल एनाफिलीज की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम ये वेक्टर का रूप में काम करता है, जैसे मलेरिया काज करता है। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स क्या करता है, क्यूलेक्स जो होता है ये वेक्टर काज करता है। क्यूलेक्स क्या, कौन सा रोग होता है, फाइलेरिया एक रोग होती है जिसको फील पाँव कहते हैं, हाथी पाँव कहते हैं, फाइलेरिया, एफ आई एल ए आर आई ए, फाइलेरिया हो जाता है, जिससे पाँव जो होता है वो भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, सूजन आ जाती है। और एडीज मॉस्किटो होता है, एडीज मॉस्किटो क्या फैलाता है, ये चिकनगुनिया फैलाता है, चिकनगुनिया, सी एच आई सी के ई चिकन, सी एच आई के ई एन चिकन, जी गुनिया, जी ओ एन आई ए, जी ओ एन आई ए चिकन गुनिया फैलाता है, चिकन गुनिया भी एक डिजीज है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं गार्गेरियस पेस्ट भी पूछा जाता है, तो लोकस्टा को लोकस्ट कहते हैं, गार्गेरियस पेस्ट होता है। लिविंग फॉसिल्स कौन होता है आर्थ्रोपोडा का, तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लिविंग फॉसिल्स है, तो आप लोग लिमुलस और किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल्स का मतलब जैसे पहले थे ना जब विकास हुआ था, अभी भी ऐसे ही हैं, इनके कोई बॉडी में स्केल्टन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इनके पहले भी वैसे थे, अब भी ऐसे हैं, तो लिविंग फॉसिल्स वही होते हैं, तो लिमुलस किंग क्रैब होता है। तो ये आपका आर्थ्रोपोडा का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग कुछ इसके पॉइंट वाइज देख लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी याद करने में, तो पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल बियरिंग जॉइंटेड फीट होती है, बायलेटरल समेटिकल पाया जाएगा, टिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट, एनिमल आर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बॉडी जो होती है आर्थ्रोपोड की कवर होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से, और इक्जोस्केल्टन जो होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है, और लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल का, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, तो आर्थ्रोपोडा। और इसमें क्या देखना है हम लोग को, हैबिटेट देख लेते हैं, ये डेप्थ ऑफ ओशियन में पाया जाता है, लैंड पे मतलब जमीन पे पाए जाएंगे, हवा पे पाए जाएंगे, और वाटर में भी पाए जाते हैं, और हाई माउंटेन डेप्थ ओशियन में पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में भी। मेनी आर पैरासाइट ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट, हेंस द फाइलम आज ग्रेट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस होता है, और बॉडी जो होती है इनकी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी हेड थोरेक्स और एब्डोमेन में भी डिवाइड होती है, और इसमें सीलोम प्रेजेंट होता है, तो रिस्ट्रिक्शन अराउंड स्क्रेटरी रिप्रोडक्टिव आर्ग, इट रिप्लेस एल्सवेयर बाय ब्लड फील्ड लार्ज पेरिविसरल कैविटी जिसको हीमोसील कहते हैं, तो ये भी जान लीजिएगा। डाइजेशन जो होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, और रिस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू, बुक गिल्स के थ्रू, बुक लंग्स भी पाया जाता है, और ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जाता है, तो ये हो गया। और सर्कुलेशन तो इसमें आप लोग देखे ही होंगे, किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज, इसमें ओपन टाइप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ कहते हैं, और व्हिच इजली कलरलेस
कलरलेस होता है, जो हीमोलिम्फ होता है वो कलरलेस होता है ब्लड इनका, ब्लड में भी ब्लू कलर होता है सम ड्यू टू कापर की वजह से, कापर आयन की वजह से कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है इनके ब्लड में। और इसक्रीशन क्या होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, और किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और कौन से हैं, ग्रीन ग्लैंड भी है और कॉक्सियल ग्लैंड भी है। तो ये दोनों भी याद करके चलिएगा कि आर्थोपोडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स भी होते हैं और ग्रीन ग्लैंड और कॉक्सियल ग्लैंड भी होते हैं। ये आपको एकदम रटे होने चाहिए, कोई क्वेश्चन आर्थोपोडा से गलत नहीं होगा अगर ये सब आप अच्छे से नोट डाउन कर ले गए। लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है, इंसेक्ट आर फर्स्ट एनिमल व्हिच कैन फ्लाई, मतलब वो इंसेक्ट जो होता है पहला एनिमल होता है जो उड़ा था, फ्लाई किया था। नर्वस कैसा होता है, आर्थोपोडा के मेंबर्स का नर्वस जो होता है, नर्वस सिस्टम सिमिलर टू द टिपिकल एनिलेट्स की तरह होता है, जो एनिलेट्स होते हैं अर्थवार्म वाले। सेंसरी आर्गन लाइक एंटीनी आई कंपाउंड स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट क्या होता है, यही तो बैलेंसिंग आर्गन होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मोस्टली डायोसियस होते हैं, मतलब फीमेल और मेल का सेपरेट होता है, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल होता है, ये तो हम लोग देखे थे, ओविपेरस होते हैं ये भी देखे थे। और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट होगा तो लार्वा नहीं पाया जाएगा और इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा पहले पाया जाएगा फिर एडल्ट फार्म में जाएगा, लार्वा विकास करता है एडल्ट में। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, तो ये सब तो हम लोग देख लिए थे, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से इसमें। और ये अदर कुछ हैं, भी देख लीजिए, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स काकरोच, सिल्वर फिश को क्या कहते हैं, लेपिस्मा। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वर फिश क्या है, तो सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, जो सिल्वर फिश का दूसरा नाम है लेपिस्मा। और व्हाइट आंट को क्या कहते हैं, टर्माइट्स, जिसको दीमक कहते हैं, तो ये भी आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। और कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ये सब हो गया। और इसमें लोकस्ट देख लीजिए, बटरफ्लाई, प्रॉन और स्कॉर्पियन, जो इसी के क्या है, इसी के मेंबर हैं। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है, लगभग 2/3 जात पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, इसमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोण की विखंडित तथा परगुही प्राणी है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी वाही कंकाल से ढका रहता है, शरीर सिर मंच तथा उदर में विभाजित होते हैं, और इसमें संधियुक्त पाद होता है। श्वसन अंग जो होते हैं, क्लोम होता है, पुष्पक्लोम होता है, पुष्प फुफ्फुस होता है अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। और परिसंचरण तंत्र जो होता है इनका खुला वाला होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। संवेदी अंग कौन से होते हैं, श्रृंखलाएँ होती हैं, नेत्र होता है और संतुलन पट्टी होती है जिसको स्टेटोसिस्ट कहते हैं, उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मेलपिगियन नलिका के द्वारा होता है। नर्मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंडपर्जक होते हैं। परिवर्धन जो होता है प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है एपिस मधुमक्खी कहते हैं, बॉम्बिक्स रेशम कीट कहते हैं, लैसिफर को लाख कीट कहते हैं। रोग वाहक कीट कौन से हैं, एनाफिलीज क्यूलेक्स तथा एडीज मच्छर। और यूथ पीड़क टिड्डी लोकस्टा तथा जीवित जीवाश्म लीमुलस जिसको कहते हैं करकट किंग क्रैब आदि। तो ये हो गए, ये आपका देख लीजिएगा, फिगर देख लीजिए कैसे कौन कौन से इसमें दिया गया। जैसे ये फर्स्ट वाला क्या दिया गया, फर्स्ट वाला दिया गया है टिड्डी दिया गया है, और बी वाला दिया गया तितली, और सी जो सा जो दिया गया बिच्छू, और ये झींग जिसको प्रॉन कहते हैं झींगा। चलिए ये भी हिंदी में थोड़ा सा है, ये भी देख लीजिए, आर्थ्रोपोडा ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल थल और वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है, सिर हेड में, थ्रोट में और एब्डोमेन में। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग इंसेक्ट भी शामिल हैं, जैसे एग्जांपल बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, काकरोच, ये सभी आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। नोट्स को देख लीजिए, कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, कुल मिलाकर 6 होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है कीटों में कितनी जोड़े टांगी होती हैं, तो 3 जोड़े टोटल अगर पूछा जाएगा तो 6 हो जाएंगी। मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती हैं, ये देख लीजिए, मकड़ियाँ जो होती हैं कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले जंतु आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपका और
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, सेल्फिश मत बने, अगर सेल्फिश बनेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। वीडियो को लाइक करें और अगर पहली बार आप चैनल पे आएँ तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल को क्रिएट किया गया है और आप ही लोग के लिए मेहनत भी की जा रही है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हुज ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ये देखिए, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया व्हिच इंक्लूड इंसेक्ट, जिसमें इंसेक्ट इंक्लूड किया गया है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो ये तो आर्थ्रोपोडा ही है, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ। नेक्स्ट देखिए, ऑफ द ऑल नेम्ड स्पीसीज एंड अर्थ अबाउट व्हाट परसेंटेज आर आर्थोपोड। आर्थोपोड का कितना इसमें परसेंटेज है? तो 2/3, इसमें मतलब 75% ओवर 2/3 ऑफ अननेम्ड स्पीसीज इन आर्थोपोड्स में। तो 75% जो होते हैं आर्थोपोड का परसेंटेज होता है अर्थ पे, पृथ्वी पे। नेक्स्ट, आर्थोपोड्स जो होते हैं वो बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी देख लीजिए, कह रहा है कि ऑल ऑफ दीज, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ आर्थोपोड इज कवर्ड बाई एग्जोस्केलेटन मेड अप ऑफ। जो आर्थोपोड की बॉडी होती है वो कवर्ड होती है किसके द्वारा? एग्जोस्केलेटन के द्वारा। तो एग्जोस्केलेटन किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, पेक्टिन की, काइटिन की, या नन ऑफ दीज? तो ये द बॉडी ऑफ आर्थोपोड कवर्ड बाई काइटिनस एग्जोस्केलेटन, काइटिनस, तो ये काइटिन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट अपेंडेजेस इज ए कैरेक्टराइस्टिक फीचर ऑफ। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस किस में पाया जाता है? तो आर्थोपोड में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है और दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ आर्थोपोडा इज डिवाइडेड इंटू। जो आर्थोपोडा की बॉडी या शरीर है वो डिवाइड होती है किस किस में? हेड में और थोरेक्स में और किस में? एब्डोमेन में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? ए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ए सही है। फिर उसके बाद आप सी करें सही करेंगे और डी सही करेंगे, नेक में नहीं डिवाइड होती। तो ये तीन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थोपोड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे से किए हैं पूरा। अगर आप लोग लास्ट से वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग के गलत नहीं होने चाहिए। ये आप लोग एकदम, मतलब ये समझिए कि अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा। कहीं से आप आर्थोपोडा से क्वेश्चन लगाइए, वो एनसीईआरटी बेस पे रहेगा तो 100% होंगे। कुछ तो मैं एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ, तो एक्स्ट्रा वाले भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वही सॉल्व होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आसान है, ये भी देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायरेटरी ऑर्गन देखना है आर्थोपोड्स के, तो गिल्स भी होता है, ये भी सही है। बुक गिल्स भी होता है, ये भी सही है। बुक लंग्स भी होता है, ये भी सही है। ट्रैकियल सिस्टम भी, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ये सभी हैं। और ये देख लीजिए, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, और काफ़ी इंपॉर्टेंट तो ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस आर्थोपोडा में ओपन टाइप पाया जाता है। नेक्स्ट, इन आर्थोपोड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब ये कह रहा है कि आर्थोपोडा के रिस्पेक्ट में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स इस चारों में से कौन सा नॉट ट्रू, मतलब सही नहीं है। तो फर्स्ट देख लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में इज ऑफ ओपन टाइप आर डायसियस, एकदम सही है। जो आर्थोपोड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है और ये डायसियस होते हैं, सही। एनिमल वो जो फीमेल और मेल सेपरेट होते हैं अलग अलग, एकदम सही है। तो पहला तो सही होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नॉट ट्रू पूछ रहा है, जो कि ये ट्रू है। आईज आर कंपाउंड एंड सिंपल बोथ टाइप, ये भी सही है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन तो सही है, दे आर ओविपेरस होते हैं, विथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये तो सही बात कह रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, कह रहा है एक्सक्रीशन इन आर्थोपोड टेक प्लेस। कह रहा है एक्सक्रीशन जो होता है आर्थोपोडा में वो किसके थ्रू होता है? तो नेफ्रिडिया नहीं, मेलफिगियन ट्यूबुल्स, यस, स्पिक्यूल्स, ऑस्टिडिया। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आर्थोपोडा में जो एक्सक्रीशन ऑर्गन होते हैं वो मेलफिगियन ट्यूबुल्स होते हैं, और कुछ होते हैं लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो एक्सक्रीटरी टेक्स प्लेस थ्रू मेलफिगियन ट्यूबुल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस आर्गन इन आर्थोपोड्स आर नोन एज, बैलेंसिंग आर्गन को क्या कहते हैं, तो स्टैटोसिस्ट कहते हैं। ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट मत लगाइएगा, नहीं तो एकदम गलत हो जाएगा। स्टैटोसिस्ट को ही बैलेंसिंग आर्गन कहते हैं, ये एकदम लिख लीजिएगा। स्टैटोसिस्ट को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग आर्गन कहते हैं। सेंसरी आर्गन लाइक एंटीना, आई, कंपाउंड, सिंपल, ये सब पाया जाता है और स्टैटोसिस्ट भी पाया जाती है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हिच आर द फॉलोइंग आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, कौन सा इसमें है जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है। तो एपिस सही है, बॉम्बेक्स ए भी सही है, लेसीफर ए भी सही है, तो फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, ऑल ऑफ दीज, जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्थोपोड डज नॉट एक्ट एज वेक्टर, कौन सा इसमें आर्थोपोड का वेक्टर है जो वेक्टर के रूप में काम नहीं करता। तो एनाफिलीज तो करेगा, क्यूलेक्स भी करेगा, एडीज भी करेगा, लोकस्टा नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन, लिमलेस, किंग क्राइब इसी को कहते हैं जो कि लिविंग फॉसिल्स होता है, तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रिगेरियस पेस्ट, अब ये तो एकदम सिंपल है, लोकस्टा को ग्रिगेरियस पेस्ट ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच, अब इसमें आपको करेक्ट मैच कराना है, कौन सा करेक्ट करेक्ट है, करेक्ट नॉट करेक्ट मतलब कौन सा इसमें जो मिलान दिया गया है वो करेक्ट नहीं है। तो एपिस को क्या कहते हैं, हनी भी सही है, बॉम्बेक्स को, सिल्कवार्म, ल्यूमलस को, किंग क्रैब कहते हैं, यही कैप गलत हो जाएगा, और लेसीफर को तो लाइक इंसेक्ट कहते हैं, तो थर्ड तो सही मिलान नहीं है, ल्यूमलस को क्या कहते हैं, ल्यूमलस को किंग क्रैब कहते हैं, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। ये देख लीजिए लिविंग फॉसिल्स ल्यूमलस है जिसका किंग क्रैब कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम, अब ये सेकंड लार्जेस्ट एकदम क्वेश्चन पूछ दिया, अगर सेकंड फर्स्ट लार्जेस्ट पूछता ना तो आर्थोपोड हो जाता, बट यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम पूछ रहा है एनिमल का, तो मोलस्का लगाएंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट जो फाइलम करेंगे वो मोलस्का ही करेंगे, मोलस्का जब करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन होंगे और एकदम अच्छे से करेंगे, तो गलत नहीं होगा। ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू मोलस्क, मोलस्का का जो क्वेश्चन है मोलस्क फाइलम का नेक्स्ट हम लोग वीडियो में करेंगे। तो आप आज लोग आर्थोपोडा का पूरा क्लियर होगा हो गया होगा कि आर्थोपोडा जो पूरा फाइलम है ना, एकदम अच्छे से आप लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, हिंदी वीडियो इंग्लिश में सभी बनी हुई है। तो और जितनी भी इसके पहले 6 फाइलम जो बना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, तो वो ज़रूर देखिएगा। सभी पूरे फाइलम एकदम क्लियर करिए, जो कि एनिमल फाइलम से एनिमल जो आपका दिया गया है ना, ये चैप्टर एनिमल किंगडम, यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर एग्जाम में आएगा। तो आप लोग पूरा फाइलम जरूर क्लियर करके एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट नीट का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और जो नहीं किए हैं, वो अभी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अभी आपके पास 6 दिन हैं, तो अभी फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और नर्सिंग पैरा का जब एंट्रेंस एग्जाम, मान लीजिए बीएससी नर्सिंग जिसको करना है, पैरा का कोर्स करना है, तो जब इसके फॉर्म आएंगे यूपी में तो बताया जाएगा। जैसे लखनऊ में अभी तो ये क्लियर नहीं है ना कि ये नीट के थ्रू लेंगे, वैसे तो नीट के थ्रू लेने वाले नहीं हैं, नहीं तो अभी नोटिफिकेशन आ गया होता। तो अभी सिर्फ बीएचयू ही नीट के थ्रू हो रहा है, या फिर जिपमर जो नीट के थ्रू हो रहे हैं। तो अभी आप घबराएं नहीं, पढ़ाई बस आप करते रहें, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप टोटल मान के चलिए, आप 50 से 60 डेज मान के चलिए कि आपके पास एंट्रेंस एग्जाम जो आने वाला है नर्सिंग पैरा का, वो 50 से 60 दिन आपके पास हैं। अगर आप चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का काउंट करेंगे ना, तो फिर आप घबरा जाएंगे, एक चैप्टर एक दिन नहीं पढ़ने वाला है, कि तो चैप्टर ज़्यादा है दिन कम है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए और अच्छे से देखा करिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है, काफ़ी स्टूडेंट वीडियो को डाउनलोड कर लेके देखते रहे हैं, तो ऑनलाइन वीडियो देखा करिए, डाउनलोड अभी मत किया करिए, क्योंकि वॉच टाइम घट जाता है, तो यूट्यूब की पॉलिसी में कुछ तभी वीडियो कुछ दिक्कत हो जाती है मुझे बनाने में। तो अभी डाउनलोड मत करिए, ऑनलाइन ही देखा करिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।